आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 5 जून की शुभदान की। शुभ संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो कि और के अंदर उमंग उत्साह उत्पन्न कर सकती है, और अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं या उसको बद्दुआएं देते हैं, वही आत्मा को वो असर भी करती है। मतलब कि उसको वो स्लो डाउन कर देती है, उसकी बुद्धि को वो एक प्रकार से बंद करती जाती है। तो दुआएं बुद्धि को खोलती हैं औरों के, और बद्दुआएं औरों की बुद्धि को स्लो डाउन करती हैं। एंड स्पेशली ये चीज़ हम देखते हैं घर बार में, जब हम एक दूसरे को कोसते हैं बहुत ज़्यादा, तो औरों की बुद्धि बंद होनी शुरू होती है और वो और ज़्यादा मिस्टेक्स और ज़्यादा गलती करना शुरू करते हैं। तो हम जब औरों को कोसना बंद करें, औरों के बारे में गलत सोचना बंद करें, तो ऑटोमेटिकली हम अपने घर को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा सफलतामूर्त बना सकते हैं। और हर आत्मा के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है परमात्मा की तरफ से। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं इस वरदान में। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप औरों की प्रेज झूठी प्रेज करते जाओ और उनसे काम निकलवाते जाओ, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये चीज लंबे समय तक चलने वाली है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले वे। आप ये चाहते हो कि हर आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ जाए, हर ब्रह्म कुमार कुमारी की ये इच्छा है। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। जब आप ये सोचते हो कि इसको भी ज्ञान मिल जाए, इनको भी परमात्मा का परिचय मिल जाए, तो ये जो शुभ भावना हम रखते हैं उससे उनको फल मिलता ही मिलता है। अगर हम कहते हैं ये नहीं सुनने वाले, ये चीज नहीं करने वाले, ये लोग नहीं समझने वाले, कभी इनका बेंट ऑफ माइंड नहीं, इनका इंक्लिनेशन नहीं उस तरफ, ये लोग विकार में है, ये लोग बेकार है, इनका कोई काम नहीं है, परमात्मा में इनको विश्वास नहीं है, अगर हम ये सोचते हैं, ये शुभ भावनाएं नहीं है, और हम उनके बुद्धि को और बंद 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 करते जाते हैं। उल्टा हमें सोचना क्या चाहिए, एक न दिन आएगा ये भी परमात्मा से बाबा से जुड़ेंगे, एक न दिन आएगा इनको भी ज्ञान मिलेगा, एक न दिन आएगा ये भी ज्ञान को समझेंगे, एक न दिन आएगा ये भी परमात्मा के बच्चे सच्चे बच्चे बनेंगे। ये कैसा सुनता है, अच्छा सुनता है ना आपको? तो क्यों ना आप इन चीज़ों को सोचते रहो और औरों का भाग्य बनाते रहो। हम संकल्पों से औरों का भाग्य बना सकते हैं, और अगर हम बद्दुआएं करते हैं तो भी हम उनका भाग्य बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। आपका घर का वातावरण बदल सकता है। अगर आप औरों को कोसते रहते हैं, कर्ज करते रहते हैं, तो आपका घर का वातावरण वैसे ही बन जाएगा। अगर आप औरों को दुआएं देते रहते हैं, उनके अंदर अच्छाइयां देखते रहते हैं, उनका भला सोचते रहते हैं, तो वही बन जाएगा। ये एक संकल्प दूरी तक है, ये बस एक संकल्प दूर है आपके घर का वातावरण चेंज होना, एक संकल्प दूर है आपका ऑफिस का वातावरण चेंज होना, एक संकल्प दूर है आप अपने बिजनेस का वातावरण चेंज करने के लिए, अपने टीम का वातावरण चेंज करने, अपने ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण चेंज करने के लिए, एक संकल्प दूर है बस आप। और ये शक्ति मिलती है परमात्मा से मेडिटेशन के द्वारा। परमात्मा फिर कहते हैं तो सच्चे सेवादारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं, और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं, और आत्माओं में फिर वो शक्ति मिलनी शुरू होती है, उनको एक स्रोत मिल जाता है, अनंत स्रोत, परमात्मा जो सागर है उससे वो जुड़ जाते हैं। और ये जब होता है तो हर आत्मा को बल मिलना शुरू, हर आत्मा सुधरना शुरू, और घर में शांति, परिवार में शांति, ऑर्गेनाइजेशन में शांति, हर जगह शांति खुशी होनी शुरू होती है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप औरों के बारे में बुरा सोचना चाहते हैं, और के अंदर गलतियाँ देखना चाहते हैं, औरों को कोसना चाहते हैं, और को जो भी आप सोचते हैं अभी तक आपको पता ही क्या करते हैं, और उसका उल्टा कितना डिफरेंस है, एक संकल्प दूर, एक सेकेंड में आप चेंज कर सकते हैं अपने पूरे परिवार का, घर का वातावरण आपके ऊपर है। फिर परमात्मा कहते हैं उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, वह वार करने में के बजाय बलिहार हो जाती है। परिस्थिति वार जब करने की कोशिश करती है वो झुक जाती है जिनके अंदर उत्साह होता है। और उत्साह कैसे बढ़ा सकते हैं? आप औरों के अंदर अच्छाइयां देखें, औरों के अंदर गुडनेस देखें, औरों को सराहना करें, लेकिन सच्ची सराहना करें, झूठी नहीं, काम निकलने वाली नहीं। क्योंकि काम निकलवाने वाली अगर आप सराहना करते हैं किसी से और किसी दिन वो काम बिगाड़ देते हैं, तो उस दिन आपके अंदर शक्ति नहीं होगी कि आप उसको उस दिन भी सराहना कर पाए। चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतने दिन अच्छा किया, ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। क्योंकि अगर आप झूठी कर रहे हैं, जैसे कुछ सोचते हैं, बाहर से कुछ सोचते हैं, तो उस दिन आपके मुख से गालियाँ निकलेंगी, उस दिन आपके मुख से बदुआएं निकलेंगी, उस दिन आपके मुख से क्रोध निकलेगा, और उस इंसान को साथ में पता चल जाएगा कि आप तो झूठ बूट से उससे काम करवा रहे थे, आप सिर्फ काम निकलवा रहे थे, ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्रह्म कुमारी इसमें गहरी बातें सीखने को मिलती है।
आप भी ऐसे वरदानों को सुनते रहे और के साथ शेयर करते रहे और समझते रहे इस ज्ञान को। ओम शांति इसके साथ।